उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल सामने आ जाएंगे। वहीं निर्वाचन आयोग ने कल मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 3-लेयर सिक्योरिटी के बीच मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। मतगणना के लिए दोनों विधानसभाओं में 14-14 टेबल लगाई गई हैं। किसी को भी मतगणना परिसर में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। द्वार में मंगलौर विधानसभा का और चमोली जनपद में बद्रीनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का मतगणना कल प्रस्तावित है। दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। दोनों जगहों पर जो काउंटिंग सेंटर है वो अपने एक जगह पे कलेक्ट्रेट में बनाया गया और एक अन्य स्थान को चयन किया गया है बद्रीनाथ विधानसभा में। वहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 3-tier सिक्योरिटी कॉर्डन वहाँ पर तैनात किया गया है। दोनों विधानसभाओं में 14-14 टेबल जो है EVM काउंटिंग के लिए तैनात किया गया है और वहाँ पर VPAT काउंटिंग बूथ भी वहाँ पर स्थापित किया गया है। सभी जो भी वहाँ पर नियमित कार्मिक होते हैं जो काउंटिंग के लिए तैनात किए जाते हैं, उनका सेकेंड रैंडमेशन का प्रक्रिया पूर्ण किया जा चुका है और थर्ड रैंडमेशन का जो प्रक्रिया होगा वो कल प्रातः शेड्यूल किया गया है। सभी व्यवस्थाएँ एज पर जो ECI का मानक होता है उसके अनुसार संपन्न की जा रही है। मुझे पूरा उम्मीद है कि लगभग 1 से 2 बजे के बीच तक हमारा पूरा काउंटिंग प्रक्रिया संपन्न हो सकती है।